और दोस्तों देखिए यहाँ का क्या खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, जो कि आप देख सकते होंगे। इस नज़ारे को देखने के लिए दोस्तों दूर दूर से लोग आते हैं और हम आपके लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और यहाँ से दोस्तों देखिए ऋषिकेश का सुंदर नज़ारा दिख रहा है। ऋषिकेश का नज़ारा दिखाएंगे हम लोग, कैमरा मैन से कहेंगे इस साइड ऋषिकेश का नज़ारा दिखाएं, थोड़ा आगे चल के दिखेगा कैमरा मैन को जिस प्रकार का है तिरासी कुटिया के अंतर्गत। और ऊंची ऊंची पहाड़ियों का दर्शन तो दोस्तों यहीं से हो रहा है, जो कि पहाड़ की सुंदरता दिख रही है। हमारा पहाड़ इसीलिए विकसित नहीं है आजकल दोस्तों, पर पहाड़ में जाना, जो सुकून पहाड़ में है दोस्तों वो सुकून इन शहरों में नहीं है। शहर में भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से हम तंग आ चुके हैं दोस्तों। हम तो चाह रहे हैं हम अपने घर जाएं, पर कहाँ, नौकरी चाकरी कुछ है ही नहीं घर में। कृपया करके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और दोस्तों अपना सपोर्ट देते रहना मुझे, धन्यवाद। दोस्तों ये कुछ छाया चित्र यहाँ भी है, कुछ इस प्रकार के पेंटिंग है यहाँ बनी हुई है, देख सकते होंगे आप। फोटोशूट के लिए होगा ये, चौरासी कुटिया के अंदर ही है। No matter what this world ends soon, a new man in our love. और दोस्तों हम भी थोड़ा अपने छाया चित्र लेते हैं यहाँ। दोस्तों आप देख सकते होंगे ये है माँ भवन एंड सिद्धि भवन, अपना अपना भवन है सिद्धि भवन। और चलते हैं दोस्तों इस भवन के अंदर, देखते हैं इस भवन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मुझे तो ये भूत बंगला से बढ़कर नहीं लग रहा है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ये दोस्तों सर्वप्रथम दिख गए हमें महाराज। दोस्तों वीडियो में तो पूरा भूत बंगला लग रहा है, यहाँ तो फ्लैश लाइट भी नहीं जल रही मेरी, जो कि फ्लैश लाइट जला के चलना पड़ेगा हमें। कुछ इस प्रकार का बंगला है दोस्तों ये। और देखिए दोस्तों, दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, चलते हैं इसे ऊपर। और हमें दिख गई माता जी, और कुछ इस प्रकार का दृश्य यहाँ का भी है। दिख तो कुछ नहीं रहा है, पर हम चले जा रहे हैं इस प्रकार। देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ इस प्रकार का दृश्य है चौरासी कुटिया का। और ऊपर टॉप में भी जाते हैं दोस्तों, दूसरी बिल्डिंग है ये, इसका छत है, छत में चलते हैं हम। अब आइए छत में चलते हैं हम, यहाँ से छत, इसका छत। और दोस्तों देखिए यहाँ से छत में जाने का रास्ता है चौरासी कुटिया के अंदर। कुछ इस प्रकार का है यहाँ छत। यहाँ से देख सकते होंगे आप दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है चौरासी कुटिया से। और ये नज़ारा देखने के लिए दोस्तों लोग तरस जाते हैं दूर दूर से, और हम तो यहीं बसे हुए हैं। कृपया करके दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, धन्यवाद। दोस्तों आज आ चुके हैं हम चौरासी कुटिया ऋषिकेश में, और देखिए दोस्तों सुंदर नज़ारा चौरासी कुटिया का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों, धन्यवाद।
और देखिए दोस्तों गढ़वाली रीति रिवाज पहनावा पा खुला तस्वीर, ये सुंदर तस्वीर दिख रही होगी आपको। 84 कुटिया ऋषिकेश। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये महर्षि ध्यान विद्यापीठ है जो अंग्रेजों के ज़माने में बना हुआ है। सन 1978 ईस्वी में इस विद्यालय में पढ़ते होंगे। और दोस्तों आइए और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है, चल के देखते हैं इसके अंदर दोस्तों क्या क्या है। और दोस्तों ये प्रार्थना स्थल होगा, यहाँ पे हमारा ध्वज लहराया जाता होगा। उस टाइम पे तो दोस्तों अंग्रेजों का ही ध्वज लहराया जाता होगा, इसलिए बनाया होगा इन्होंने। और दोस्तों आइए आप, यहाँ पाठशाला क्लास यहाँ चलती होगी। और कुछ शानदार छायाचित्र यहाँ भी बनाए लेते हैं दोस्तों, लाइफ ऑफ द लाइफ। और हाथी है, एलिफेंट है और कौवा है, कुछ इस प्रकार का दृश्य है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, मैं आपको बार बार कहता रहूँगा दोस्तों जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं देंगे पूरा। और कुछ इस प्रकार की कक्षाएँ हैं दोस्तों यहाँ। और दोस्तों वीडियो में बने रहें, 84 कुटिया का आनंद लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। दोस्तों 84 कुटिया के अंदर भी हमें हमारे भोलेनाथ जी मिल गए हैं। हर हर शंभु, हर हर महादेव। दोस्तों देख सकते होंगे आप 84 कुटिया स्थानीय पत्थरों से बनी। 84 कुटिया में प्रत्यन का प्रशास्त्रिक आमांत का प्रत्यन करती है कि सामूहिक रूप से 84 आसन मानव जीवन के हर पहलुओं के लिए है। दोस्तों इस कुटिया के बारे में इस पे लिखा गया है जो बोल्ड है, और देख सकते होंगे आप वीडियो में। और ये है वो कुटिया। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों लोग अपना जीवन जीने का यापन देख रहे हैं और मुझे 84 कुटिया के अंतर्गत ये मृत्यु जन्म भी दिखा, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा दोस्तों क्या है। कुछ होता होगा अंग्रेजों का यहाँ पे दंड दुंड देने का। देखो दोस्तों यह 84 कुटिया, और यहाँ के फौजी भाई भी लगे हैं यहाँ ड्यूटी देने पर।